वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर लर्नर्स। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए बच्चों। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एवरीवन, एम आई ऑडिबल माय डियर लर्नर्स? तो लेट्स क्रैक इट माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज के सेशंस में हम देखने वाले हैं आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस में नेक्स्ट पार्ट। तो SFE हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, नोजल और डिफ्यूजर्स में, और नोजल पे भी एक न्यूमेरिकल कर लिया था और एक न्यूमेरिकल डिफ्यूजर पे भी कर लिया था। तो अब हमें आज करना है टर्बाइन, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर एंड थ्रॉटलिंग वाल्व। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज SFE लगाने वाले हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को और चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रैक गेट एंड ईएसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर। दिस इज अबाउट मी माई डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपना बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फूड टेक्नोलॉजी रांची से किया है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, एंड आई वाज आल्सो सिलेक्टेड इन IIT कानपुर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो अक्रॉस इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे लेक्चर मेरा लिया, मुझसे पढ़े, जो अभी IISc बैंगलोर में भी हैं, IIT बॉम्बे में भी हैं और डिफरेंट PSUs में भी हैं। और मैं अनअकैडमी पे बच्चों एक प्लस एडुकेटर हूँ। आप मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे प्लस कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं और स्पेशल क्लासेज में भी मेरे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको मुझे फॉलो करना है। मेरा कोड है IAS10 और आप जैसे ही मुझे फॉलो करेंगे बच्चों, जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे, आपको मेरे प्लस कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो मेरे प्लस कोर्सेज पे आप सब्सक्रिप्शन लेके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ओके। और अनअकैडमी बच्चों आपको प्रोवाइड करता है दो तरह का सब्सक्रिप्शन प्लान, एक है आपका प्लस सब्सक्रिप्शंस प्लान, दूसरा है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस प्लान। तो प्लस सब्सक्रिप्शंस प्लान में आपको बच्चों मिलता है डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शंस प्लान में अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन में इंगेज रह सकते हैं, उनसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, पोल्स के फॉर्म में आप आंसर कर सकते हैं और आपके पूरे के पूरे सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। राइट, आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, आपके स्टडी को ट्रैक करेगा और वीकली रिव्यू करेगा कि आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं और आपको बहुत सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, ओके। तो आइकॉनिक और प्लस दोनों बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी कॉम्बैट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों अनअकैडमी पे हर संडे को कॉम्बैट होता है जिसमें आप IAS10 कोड यूज करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपकी उसमें रैंकिंग 1 से लेकर 100 के बीच में आती है, रैंक 1 से लेकर रैंक 100, तो आपको वहां पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप उस कोड को, आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और आप उस डिस्काउंट्स कोड को यूज करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है बच्चों, बहुत ही अच्छा। अगर कोई भी लड़का प्लानिंग कर रहा है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का तो वो अभी ही ले ले, दैट इज द मतलब वो अभी सबसे अच्छा टाइम है बच्चों, अभी ही ले लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने गेट के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमारे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए, प्रम बैच, स्पार्क बैच, वर्व बैच, लक्ष्य बैच, आरोहन बैच, लक्ष्य एंड आरोहन बैच एंड अदर न्यू बैचेस हैज बीन ऑल्सो स्टार्टेड। और प्राइस हाइक होने वाली है बच्चों, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको होल्ड पे रखा गया है, ये प्राइस किसी दिन भी हाइक हो सकती है। अभी ये पुराने ही प्राइस पे आप एडमिशन ले सकते हैं एवरीवन। और ये आपका 7.25% प्राइस हाइक होने वाली है बच्चों, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इज द ऑफर अलर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का बच्चों,
कि 12 प्लस 2 प्लस 3, मतलब आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ का, तो आपको वहां पे 2 प्लस 3 मतलब टोटल 5 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, मतलब सिर्फ 27,000 रुपए में, ओनली 27,225 रुपीज में आपको 17 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और आपको यहाँ पे अगर आप बात करेंगे बच्चों 24 मंथ्स का, 2 साल के सब्सक्रिप्शन प्लान का, तो आपको सिर्फ 39,000 रुपीज में 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मतलब 24 और उसमें साथ में एडिशनल 10 मंथ एडिशनल 4 प्लस 6। तो इससे बढ़िया मौका बच्चों कभी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना, तो 24 प्लस 10, तो या तो आप 12 मंथ्स का ले लीजिए या तो आप 10 मंथ्स का ले लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, या तो 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का। तो इस सब्सक्रिप्शन प्लान को जरूर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट द सेशन। चलिए बच्चों आ जाए, आ जाओ सब लोग माय डियर फ्रेंड, नाउ कम माय डियर स्टूडेंट्स इन द टुडेज टॉपिक व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए बच्चों, बहुत कम लड़के हैं, लेट मी शेयर द लिंक बिकॉज वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दीजिए। सब लोग आ जाओ यार, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आ जाओ सब लोग, चलो तो मैंने तो शेयर कर दिया, सब लोग आ गए, एवरीवन लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते, तो मैंने क्या पढ़ा दिया था आपको बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ा दिया था, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं बच्चों, यू कैन टॉक टू मी इन द चैट बॉक्स। चलिए तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, थोड़ा सा मैं चार्जर कर लूं। अंकुर क्लास चल रही है क्या? बिल्कुल क्लास चल रही है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? क्लास ऑब्वियसली क्लास चल रही है बच्चों, आ जाइए तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा शेयर कर दीजिए एवरीवन। चलो तो आज का हमारा सेशन है, मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया था, नोजल पढ़ा दिया था, ये आप देख सकते हैं बच्चों, आई हैव डिस्कस्ड द नोजल, राइट, nozzle and diffuser I have already discussed, and one problem in nozzle and one problem in diffuser I have discussed, okay, so now today our topic is the turbine, to aa jaiye, today we are going to discuss you the turbine, third hamara device hai jisme hum SFE lagana sikhenge, to aap se koi puchega bachcho ki turbine kya hai to kya boliyega, aapko malum hai ki sir turbine ek work producing device hai, ye hame kya karta hai, work output deta hai, kaise deta hai, तो इसमें क्या होता है, हम जब भी किसी भी वर्किंग फ्लूड को टरबाइन से पास कराएंगे तो ये आपको करेगा क्या कि एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूड टू द रोटर, इसमें क्या होता है, वर्किंग फ्लूड शाफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, रोटर को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो टरबाइन के बारे में कोई भी पूछे तो आप बोलेगा इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स फ्लूड एनर्जी इनटू शाफ्ट वर्क। जैसे मान लीजिए एक ये शाफ्ट है, इसमें ब्लेड्स है, इसके ऊपर एक मान लीजिए वाटर अगर गिर रहा है, पानी अगर गिर रहा है, तो पानी के वजह से जो वाटर की एनर्जी है उसकी वजह से आपका शाफ्ट क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, तो शाफ्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टरबाइन के बारे में कोई भी पूछे तो आपको बोलना है इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच कन्वर्ट फ्लूड एनर्जी इंटू शाफ्ट वर्क, फ्लूड एनर्जी को शाफ्ट वर्क में बदल देता है, फ्लूड एनर्जी को, राइट, इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इट इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स फ्लूड एनर्जी इंटू शाफ्ट वर्क, समझ में आ गया, ये फ्लूड एनर्जी को शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ सर्टेन अजम्पशन से इसका अगर आप डायग्राम देखें तो ये एक्चुअली में होगा कैसा, आपका अगर इसका आप डायग्राम देखेंगे तो याद रखिएगा ये आपका इस तरह का मिलता है बच्चों, ऐसा,
एक्सपेंशन होता है इसमें, तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसा इस तरह का डाइवर्जिंग दिखाते हैं हम लोग हमेशा। कभी भी आप टर्बाइन को देखेंगे तो ये आपको ऐसा डाइवर्जिंग दिखेगा लाइक दिस, ओके, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी योर डाइवर्जिंग। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे मान लो ये आपका, ये टर्बाइन जनरली इंसुलेटेड होता है, और यहाँ पे मान लीजिए ये आपका फ्लूड एंटर हो रहा है लाइक दिस, यहाँ से आपका फ्लूड एंटर हो रहा है, यहाँ से आपका फ्लूड एंटर हो रहा है, और यहाँ से ये फ्लूड आपका एग्जिट हो रहा है, ठीक है। और ये आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ शाफ्ट वर्क दे रहा है, क्योंकि ये आपको वर्क आउटपुट देता है ना, इट विल बी लाइक दिस, ये आपको कुछ ना कुछ वर्क देगा। दिस इज योर टर्बाइन, ये टर्बाइन आपका इंसुलेटेड होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड अजम्पशन, याद रखिएगा ये इंसुलेटेड रहता है टर्बाइन। अब यहां से आपका वर्किंग फ्लूड आ रहा है बच्चों, तो ये क्या होता है, यहाँ पे वर्किंग फ्लूड इन कर रहा है, तो ये इन कर रहा है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं वन, इनलेट को वन और एग्जिट को मान लेते हैं टू, एग्जिट को मान लेते हैं बच्चों टू। और आपका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, यहाँ पे वर्क आउटपुट, तो आपको यहाँ पे एक वर्क आउटपुट मिलेगा, याद रखिएगा शाफ्ट वर्क के फॉर्म में वर्क आउटपुट मिलेगा, इसको बोलते हैं डब्ल्यू, राइट, दैट इज द वर्क आउटपुट बाय द टर्बाइन। तो यही आपका टर्बाइन है। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि टर्बाइन को हमेशा हम लोग डाइवर्जिंग क्यों दिखाते हैं, ऐसा इसलिए कि एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, राइट, एक्सपेंशन होता है किसमें, टर्बाइन में, और कंप्रेशन होता है किसमें, पंप में, इसलिए उसको हम लोग कन्वर्जिंग दिखाते हैं। तो ये आपको ऐसा है। अब यहाँ पे देखो इनलेट पे कुछ प्रॉपर्टी होगी, तुमको मालूम है एसटीडी अगर फ्लो हो रहा है तो जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास तुम्हारा एग्जिट करेगा, तो जितना मास तुम्हारा एंटर करेगा एम डॉट वन उतना ही मास तुम्हारा एग्जिट करेगा एम डॉट टू, ये तो तुमको मालूम है स्टीडी फ्लो, तो मास फ्लो रेट सेम रहेगा। दूसरा इनलेट पे तुम्हारे प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इंथाल्पी रहेगी एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, टेम्परेचर रहेगी, प्रेशर रहेगी, बहुत सारी चीज रहेगी बच्चों। तो अगर मान लीजिए आपका ये यहाँ पे इंथाल्पी है और आपका वेलोसिटी है सी वन, पोटेंशियल हेड आपका जेड वन है, राइट, और आपका मान लीजिए यहाँ पे ये एच टू है, ये आपका सी टू है, ये आपका जेड टू है, और ये टर्बाइन मैंने अजम्पशंस माना है कि ये आपका इंसुलेटेड है। तो आप एक बेसिक इक्वेशन बच्चों आपको याद रखना है टर्बाइन में, जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, बेसिक इक्वेशन, ये हर जगह लगता है क्या, एक तो जनरल है आपका, जनरल आपका ये है कि एम डॉट, पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास की आप बात करेंगे तो जितना मास एम डॉट वन आपका इन होगा उतना ही एम डॉट टू आपका आउट होगा, मतलब इसको आप बोल सकते हैं रो वन ए वन सी वन इज इक्वल्स टू रो टू ए टू सी टू, करेक्ट है बच्चों। तो आप इसको ऐसा बोलेंगे, डेंसिटी अगर कभी निकालना हो तो ए वन सी वन बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम वन इज इक्वल्स टू ए टू सी टू बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम टू, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आपको चीजें याद रहें। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगाएंगे तो डेंसिटी कैसे आ जाएगा, पी वन बाई आर टी वन, दिस विल बी योर पी वन बाई आर टी वन, ए वन सी वन इज इक्वल्स टू पी टू बाई आर टी टू ए टू सी टू, करेक्ट है। तो ये आप कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा लगाइएगा, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक, ये इतना आपको मालूम होगा, ये टर्बाइन में हम लोग इसको लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास कभी भी न्यूमेरिकल बनाने में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना एनर्जी इन करता है उतना ही एनर्जी आउट होता है, ये भी सबको मालूम है। तो यहाँ पे आ जाइए, एक तो आपको बेसिक एसएफई मालूम होना चाहिए, जो हमारा स्टैंडर्ड एसएफई है, एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन है, मास तो सेम होता है एम डॉट, ये हर जगह लगेगा बच्चों, एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई 2000 प्लस जेड वन जी बाई 1000, जेड वन जी बाई 1000, करेक्ट है, प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एम डॉट एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई, ये तो याद हो गया होगा ना सबको, प्लस जेड टू जी बाई 1000 प्लस डब्ल्यू डॉट, करेक्ट है बच्चों, प्लस डब्ल्यू डॉट। अब आप यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड, अब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको ये चीज मालूम है क्या यार सर, यहाँ पे आपका ये इंसुलेटेड है, यू नो वेरी वेल दिस थिंग्स कि आपका ये इंसुलेटेड है, तो अगर ये इंसुलेटेड है तो आपका ये क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ अजम्पशंस है जिसको हमको ध्यान में रखना है,
तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये इक्वेशन हम कब लगाएंगे जब कोई अजम्पशन नहीं है, विदाउट अजम्पशन व्हेन वी आर यूजिंग एनी टर्बाइन, विदाउट अजम्पशन, जब बिना अजम्पशन के हम लोग करेंगे तो ये इक्वेशन लगाना, याद रखिएगा। गेट में एक क्वेश्चन आया है गेट 2010, बिना अजम्पशन के, उसमें आपका एडियाबेटिक टर्बाइन था या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे हीट भी आपका रिजेक्ट हो रहा था, तो अगर हीट रिजेक्ट होगा तो आपको क्यू यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी भी दिया हुआ था, पोटेंशियल हेड भी दिया हुआ था, सारी चीजें आपकी दी हुई थी। अब चलिए कुछ अजम्पशन देख लेते हैं, अगर टर्बाइन में ये विदाउट अजम्पशन है राइट, इसको मैं लिख दे रहा हूं, अगर विदाउट बिना अजम्पशन के होगा तो आप इसको यूज करेंगे। विदाउट अजम्पशन विदाउट अजम्पशन ओके माय डियर फ्रेंड, अगर हम लोग विद अजम्पशन टर्बाइन में अजम्पशन क्या आ जाओ, अजम्पशन इन टर्बाइन, अजम्पशन टर्बाइन में बच्चों हमारा अजम्पशन है, हमारा अजम्पशन है ये, पहला अजम्पशन है कि आपका जो वॉल जो होता है ना, द वॉल ऑफ द टर्बाइन इज इंसुलेटेड राइट, तो वॉल इंसुलेटेड होता है, टर्बाइन वॉल इज इंसुलेटेड, अगर ये इंसुलेटेड है मतलब डेल्टा क्यू जीरो। दूसरा आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो राइट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तीसरा आपका होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये हमारा अजम्पशन है ओके, याद रखना इसको। अब चलो, अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तुम्हारा हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब जेड वन इज इक्वल टू जेड टू एंड सी वन इज इक्वल टू सी टू, सी वन इज इक्वल टू सी टू का मतलब हो गया कि आपका इनलेट पे वेलोसिटी और एग्जिट पे वेलोसिटी बराबर होगा, तभी आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज जेड वन जेड टू बराबर होगा, तभी आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो होगा। तो अब आ जाइए आप, जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपका ये इंसुलेटेड है, देखो ये आपका इंसुलेटेड और ये आपका ये कैंसिल, तो अब आपका ये रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, देखो सारे लड़के ये स्टैंडर्ड एसएफई है बिना अजम्पशंस के, बिना अजम्पशंस के, तो देखो यहाँ पे विद अजम्पशंस अगर तुम जाओगे, विद अजम्पशंस जाओगे तो यहाँ पे देखो विद अजम्पशंस अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला टर्म कैंसिल जेड वन जेड टू, ये क्यू तुम्हारा जीरो, सी वन सी टू तुम्हारा कैंसिल, तुम्हारा ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों देखो, एम डॉट एच वन इज इक्वल टू एम डॉट एच टू इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट, तो तुम्हारा डब्ल्यू डॉट क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा एम डॉट एच वन माइनस एच टू, एम डॉट एच वन माइनस एच टू, तो यही तुम्हारा आ गया, डेट इज द वर्क आउटपुट ऑफ द टर्बाइन। अब यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डब्ल्यू डॉट क्या बता रहा है सुनना गौर से, इस डब्ल्यू डॉट को तुम पावर भी बोल सकते हो, देखो मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है, मास फ्लो रेट का यूनिट होता है केजी पर सेकेंड होता है ना, और एच वन माइनस एच टू ये इंथाल्पी चेंज है, इसका यूनिट क्या होता है किलो जूल पर केजी, तो तुम्हारा किलो जूल पर केजी कैंसिल, तुम्हारा इसका यूनिट क्या आ रहा है किलो जूल पर सेकेंड, मतलब ये आ रहा है तुम्हारा किलो वॉट, ये तुम्हारा क्या आ रहा है किलो वॉट, तो अगर ये तुम्हारा किलो वॉट आ रहा है माई डियर फ्रेंड, ये तुम्हारा किलो वॉट आ रहा है, तो मतलब इसको बोलेंगे हम लोग पावर, तो पावर ऑफ द टर्बाइन कभी भी तुमको बोलेगा तो ये होता है डब्ल्यू डॉट, याद रखना मतलब एम डॉट इन टू एच वन माइनस एच टू। अगर तुमसे पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन पूछे, अगर तुमसे पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन पूछे तो मास फ्लो रेट इन टू इनलेट इंथाल्पी माइनस एग्जिट इंथाल्पी, स्पेसिफिक इंथाल्पी राइट, और ये हो गया पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन। क्या वीडियो अटक रहा है क्या बच्चों, वीडियो अटक रहा है क्या, पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन, राइट, ये हमारा क्या आ रहा है पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन, ये आ गया, तो आपको यहां पे ध्यान देना ये किलो वॉट में आएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछे वर्क डन, तो अगर कभी आपको डब्ल्यू निकालना हो माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कभी आपको डब्ल्यू निकालना हो, अगर डब्ल्यू निकालना हो तो हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास फ्लो रेट से नहीं, मास से,
तो मास अगर आपको मालूम है, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया एच वन माइनस एच टू से, राइट, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहां पे मास तुम्हारा किस चीज में है बच्चों, ध्यान दो, मास तुम्हारा किस चीज में है, केजी, और ये तुम्हारा किस चीज में है, किलो जूल पर केजी। तो तुम्हारा ये कट जाएगा और तुम्हारा ये आंसर आएगा किलो जूल में। तो अगर कभी तुमसे वर्कडन बोले किलो जूल में, टर्बाइन का वर्कडन, द वर्क आउटपुट ऑफ द टर्बाइन डब्ल्यू, तो तुम निकाल देना मास से मल्टीप्लाई करना, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, दैट इज योर वर्कडन। अच्छा, अगर मान लो इसको बोलेंगे वर्कडन बाय द टर्बाइन इन किलो जूल, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कडन। ये सारा टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज योर वर्कडन, वर्क डन बाय द टर्बाइन। अच्छा, अगर मान लो तुम मास से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, अगर मान लो तुम मास से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, सिर्फ तुम ये निकालते हो ओमेगा, और सिर्फ तुम लिखते हो एच वन माइनस एच टू, याद रखना, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वर्क। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्क, मतलब इस वर्क का यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी, राइट, एच वन माइनस एच टू। तो इसका यूनिट तो तुमको मालूम है, इसका यूनिट क्या है हमारा, किलो जूल पर केजी, एंथैल्पी चेंज, तो इसका भी यूनिट तुम्हारा हो जाएगा किलो जूल पर केजी। इसको हम लोग बोलते क्या, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वर्क, याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वर्क। तो क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वर्क आउटपुट ऑफ द टर्बाइन, स्पेसिफिक वर्क, राइट, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। तो याद रखना, कभी भी स्पेसिफिक वर्क बोलेगा मतलब एच वन माइनस एच टू। अब सुनो आगे एक स्टेप और, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब देखो, कभी कभी कुछ लड़का बोला कि सर एसएफई लगा के तो आपने निकाला, दैट्स वेल एंड गुड, स्पेसिफिक वर्क टर्बाइन का भी हम समझ गए। यहाँ पे आप टी टी लिख सकते हैं बच्चों, टी लिख सकते, टी मतलब टर्बाइन, राइट, टी मतलब टर्बाइन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो जूल में आएगा, मास से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक एंथैल्पी का चेंज लेंगे तो स्पेसिफिक वर्क आएगा, और मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन आ जाएगा। ओके, नाउ एवरीवन, नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मान लीजिए एसएफई हम नहीं लगाएं, जैसे एक लड़का बोला सर ये तो आप एसएफई लगाए हैं, यहाँ पे आप वेलोसिटी को क्या किए, कैंसिल आउट किए हैं, राइट, यहाँ पे आप वेलोसिटी को कैंसिल आउट किए हैं, एवरीवन, ये आपने वेलोसिटी वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर दिया, जेड वन जेड टू को कैंसिल आउट कर दिया, क्यू को जीरो कर दिया डायरेक्ट। अगर हम, क्योंकि जो एसएफई है एक्चुअल में, एसएफई तो एनर्जी कंजर्वेशन है, जितना एनर्जी इन करेगा उतना ही एनर्जी आउट करेगा। तो आ जाओ बच्चों, अगर मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट सुनो, आप डायरेक्टली भी अगर विद अजम्पशन आपका है, अगर विद अजम्पशन आपका है तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर मेरा अटक रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर मेरा वीडियो अटक रहा होगा तो। अब देखो यहां पे, अगर मान लो ये तुम्हारा एक टर्बाइन है, ओके, और एंट्री पे सिर्फ इंथैल्पी है, बाकी स्टैंडर्ड अजम्पशंस, जेड वन जेड टू जीरो, ऐसा है आपका, ध्यान दीजिएगा एवरीवन, मास इन कर रहा है, मास आउट कर रहा है, और इनलेट पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, एच वन और एच टू, स्पेसिफिक इंथैल्पी, तो आप एसएफई लगाएंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा एकदम आसान भाषा में, कि एसएफई एक्चुअल में स्टेडी स्टेट में, एक्चुअल में एसएफई क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी इन करेगा उतना ही एनर्जी आउट करेगा, मतलब ई वन मतलब वन पॉइंट इनलेट है और टू पॉइंट आपका एग्जिट है, वन पॉइंट इनलेट है, टू पॉइंट एग्जिट है। तो आप देखो यहाँ पे आपका इन क्या कर रहा है, एच वन इन कर रहा है, एच वन डाल दो, एच वन इन कर रहा है, राइट, एच वन आपका इन कर रहा है, एच वन आपका इन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आउट क्या हो रहा है, वर्क भी आउट हो रहा है और ये भी आउट हो रहा है एच टू, तो दो आउट हो रहा है, ये वर्क आउट हो रहा है और ये आउट हो रहा है, तो इसको आउट पे लिख दो एच टू प्लस। अब ध्यान देना, अगर तुम सिर्फ एच वन और एच टू को ले रहे हो तो तुम यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, स्मॉल डब्ल्यू, चीजों को ध्यान देना, तो तुम्हारा स्मॉल डब्ल्यू क्या आएगा यहाँ से, ये तुम्हारा आ जाएगा एच वन माइनस एच टू, डायरेक्टली मैंने बताया था ये स्मॉल डब्ल्यू हमारा स्पेसिफिक वर्क आउटपुट होता है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एच वन माइनस एच टू, डायरेक्टली एनर्जी इन, इन होने वाला एक ही है एच वन, आउट होने वाला दो है, तो बस, तो हम इन बराबर आउट करना था तो एच वन को बराबर कर दिए एच टू प्लस ओमेगा के, ओमेगा इसलिए लिखते हैं कि ओमेगा का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी, तो ये आपका स्पेसिफिक वर्क है,
याद रहेगा, स्पेसिफिक वर्क निकल गया तो अब डब्ल्यू टर्बाइन का निकाल लीजिएगा, वर्क आउटपुट तो ये हो जाएगा एम से मल्टीप्लाई, डेट विल बी एच वन माइनस एच टू। और अगर आप पावर निकालना है इसको बोलते हैं डब्ल्यू डॉट, इसमें आप मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एच वन माइनस एच टू। तो ये तीन फॉर्मूला है, तीनों को याद कर लीजिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को एवरीवन? चलिए टर्बाइन क्लियर हो गया ये, लेकिन विद अजम्पशन से बच्चों, ये विद अजम्पशन से, विदाउट अजम्पशन से नहीं है, याद रखिएगा। ये विद अजम्पशन से ये बच्चा वाला, ये पावर प्लांट में बहुत ज्यादा यूज होगा, राइट? ये पावर प्लांट में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसका यूनिट किलो जूल और इसका यूनिट किलो वॉट। तो तीनों आप ध्यान में रखिएगा कौन सा वर्कडन आपसे पूछ रहा है। आसान भाषा में एकदम सिंपल है कि आपको वर्क आउटपुट निकालना है, तो जो भी ज्यादा वाला है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है एंट्री पे हमेशा ज्यादा इंथैल्पी होगा 250 जूल, तो ये 50 जूल वर्क करेगा और ये आपका 200 जूल एग्जिट होगा, तो आप ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो आपको वर्क आउटपुट मिल जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बच्चों मैं इस पे तो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, डेट इज क्वाइट ईजी, ये एक डिप्लोमा बैकग्राउंड का लड़का भी, पॉलिटेक्निक वाला लड़का भी कर लेगा कि एच वन माइनस एच टू वर्क निकालना, उसमें कोई हमारा ब्रेन ग्रोथ भी नहीं होगा और कुछ बेनिफिट भी नहीं है, राइट? तो वैसा बकवास क्वेश्चन सब मैं नहीं कराऊंगा। अंकुर जी कह रहे सर नोट्स की पीडीएफ दे देना, नहीं आप नोट डाउन कीजिए अंकुर, अंकित जी, अंकुर जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे, मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको आप नोट किया कीजिए, आप उसको नोट किया कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? चलिए आप नोट किया कीजिए। आइए बच्चों ये क्वेश्चन है, कम क्या कह रहा है, एक गैस टर्बाइन, तो रेडी हो जाओ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग माय डियर फ्रेंड। कम क्या कह रहा है बच्चों, गैस टर्बाइन का ये क्वेश्चन है और सब लोगों से बनना चाहिए और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और हम लोग इसको बनाते हैं। आ जाओ क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, एवरीवन प्लीज ट्राई दिस सम माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि इन अ गैस टर्बाइन, ठीक, देखिए गैस टर्बाइन का मतलब हो गया कि वर्किंग फ्लूड हमारा गैस है, कोई दिक्कत नहीं। इन अ गैस टर्बाइन, देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर तुम गैस टर्बाइन की बात कर रहे हो तो गैस, अगर वर्किंग फ्लूड यहाँ पे लिख लो, अगर तुम्हारा वर्किंग फ्लूड फॉर आइडियल गैस है, अगर तुम आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हो तो तुम आंख बंद करके यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, एच इज इक्वल्स टू सी पी टी। तुम्हारा ये जो ओमेगा का है, ओमेगा ये कन्वर्ट होके आ जाएगा सी पी टी वन माइनस टी टू, आइडियल गैस, राइट? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और बाकी तो आप निकाल ही लीजिएगा, जैसे ये निकाल लिए सब निकल जाएगा। तो आइडियल गैस के केस में, एयर के केस में, एच इज इक्वल टू सी पी टी यूज कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं। फॉर प्योर सब्सटेंस वी कैन नॉट यूज दिस, ओके? नाउ नाउ एवरीवन कम, ये वीडियो मेरा स्मूथली क्यों नहीं पब्लिश होता समझ में नहीं, आवाज मेरी आ रही है ना साफ साफ? ये स्मूथली बच्चों आ रहा है, स्मूथली आ रही है मेरी आवाज आपको, अच्छे से आ रही है स्मूथली? मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा ऐसा कि स्मूथली आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार अटक रहा है वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करते हैं। आ जाओ क्या कह रहा है, देखो एवरीवन, आ जाओ क्या कह रहा है, इन अ गैस टर्बाइन, ठीक है, इन अ गैस टर्बाइन द गैस एंटर्स एट अ रेट ऑफ 5 kg/s विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 m/s, विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 m/s एंड एन्थैल्पी दिस एंड लीव द टर्बाइन विद अ वेलोसिटी। तो यहाँ पे C1 और C2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों, तो आ जाइए, राइट? यहाँ पे C1 और C2 आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम टर्बाइन की बात करेंगे तो टर्बाइन विल बी लाइक दिस, दिस इज योर टर्बाइन, ओके? सी, तो ये तुम्हारा टर्बाइन है, दिस टर्बाइन इज इंसुलेटेड, इंसुलेटेड है क्या देख लेते हैं, नहीं, दिस इज नॉट इंसुलेटेड, दिस टर्बाइन इज नॉट इंसुलेटेड, ये टर्बाइन हमें वर्क आउटपुट देगा, दिस टर्बाइन इज गोइंग टू गिव अस वर्क आउटपुट, ओके? ये हमें वर्क आउटपुट देगा बच्चों। अब देखिए एंट्री की आप बात करेंगे, एंट्री की बात, तो यहां से ये एंटर हो रहा है, ओके? और यहां से ये आपका एग्जिट हो रहा है, ये आपका एग्जिट हो रहा है, ठीक है? अब आ जाओ, ये आपका एग्जिट हो रहा है। अब यहां पे सुनो, एंट्री पे बच्चों, एंट्री पे मान लीजिए ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट आपका 2 है,
चलो एवरीवन क्या कह रहा है, इन अ गैस टरबाइन ब्लेड द गैस एंटर्स एट अ रेट ऑफ, चलो ये हमारा टरबाइन है, दिस इज आवर टरबाइन, इसमें मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है 5 kg/s, तो जब मास तो सेम एंट्री और एग्जिट पे सेम रहेगा हमारा। अच्छा क्या कह रहा है वेलोसिटी, अच्छा एंट्री पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, देखो C1 50 m/s और हमारा H1 दिया हुआ है 900 kJ/kg, 900 kJ/kg कह रहा है कि लीव द टर्बाइन विद अ वेलोसिटी, ये लीव कर रहा है, लीव द टर्बाइन विद अ वेलोसिटी मतलब C2 हमारा कितना दिया हुआ है C2 150 m/s एंड इंथाल्पी H2 400 kJ/kg राइट, इंथैल्पी आपको 400, द हीट लॉस, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द गैसेस टू द सराउंडिंग, मतलब यहाँ पे हीट लॉस भी दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे हीट लॉस भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हीट लॉस दिया हुआ है सर, हीट लॉस कितना दिया हुआ है 25 kJ/kg, मतलब स्पेसिफिक दिया हुआ है 25 kJ/kg ठीक है। कह रहा है अज्यूम आर इज इक्वल टू दिस, सी पी इज इक्वल टू, चलो कुछ डेटा लिख लेते हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.285 kJ/kgK एंड सी पी इज इक्वल टू 1004। अच्छा एंट्री पे कंडीशन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एंट्री पे, P1 प्रेशर दिया हुआ है हमारा 100 kPa और टेम्परेचर दिया हुआ 27 degree Celsius मतलब 300 K। निकालना क्या है, निकालना है डिटरमाइन द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन, मतलब W निकालना है हमें, ऑब्वियस बात है टर्बाइन हमारा वर्क करेगा, पावर हमें निकालना है ओके, एंड पावर आउटपुट डिटरमाइन एंड द डायमीटर ऑफ द इनलेट पाइप, ठीक है पावर आउटपुट और डायमीटर ऑफ द इनलेट पाइप ये दोनों हमें चाहिए। चलो पावर आउटपुट और डायमीटर ऑफ द इनलेट पाइप, तो कोई एक लड़का बना सकता है, पावर आउटपुट मतलब W डॉट चाहिए और डायमीटर चाहिए इनलेट पाइप, कैन एनी वन टेल मी द राइट आंसर, डायमीटर ऑफ द इनलेट मतलब D2 हमें चाहिए, तो ये दोनों चीज हमें चाहिए बच्चों, ये D2 हमें चाहिए और ये चाहिए, ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है यार स्ट्रीमिंग में, समझ में नहीं आता है, वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या बच्चों, वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या एवरीवन, कैन एनीवन टेल मी, वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या मेरा, कैन एनीवन प्लीज, कोई तो देखने वाला भी नहीं है मेरा वीडियो, तो कोई देखता भी नहीं है वैसे, पता नहीं कौन देख रहा होगा, कोई लड़का गलती से देख रहा होगा शायद, एक आध लड़का गलती से ऐसा पाप कर रहा होगा, कोई है देखने वाला, कोई है देखने वाला बच्चों, सही आ रहा है, स्मूथली आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है आपको एवरीवन, यहां तक क्लियर है कि आपको हीट भी दिया हुआ है 25, ये डायग्राम के लिए आपको D2 चाहिए और आपको वर्क आउटपुट चाहिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, शायद यहां तक क्लियर होगा आपको एवरीवन, नाउ कम माय डियर लर्नर्स, हमें इस क्वेश्चन को करना है, आप कैसे करेंगे, रेट कोई नहीं आ रहा है, फिर कोर्स जब बंद होगा तो फिर बोलेंगे सर बंद कर दिए सर, हम तो रिकॉर्डेड देखते थे सर, सर हम तो रिकॉर्डेड देखते थे, आप अकेले बोलते रहिए, देखने वाला कोई नहीं रहेगा राइट, तो चलिए हमें वर्क निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क हम कैसे निकालेंगे, एवरीवन कम, गुड इवनिंग हरि नारायण पाल, गुड इवनिंग हरि नारायण जी आ जाइए, बहुत कम लड़के हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन फास्ट, ज्वाइन आ जाओ एवरीवन कम, अब देखो कैसे होगा, अब हमें क्या निकालना है, वर्क आउटपुट निकालना है, अच्छा एरिया भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले एरिया भी आप निकाल सकते हैं, वर्क आउटपुट भी निकाल सकते, तो पहले क्या निकालना चाहिएगा, तो एक काम करते हैं पहले हम लोग एरिया निकाल लेते, दैट इज क्वाइट इजी, पहले एरिया निकाल लेते, आ जाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले हम लोग एरिया निकाल लेते, एवरीवन कम, तो आपको मालूम है बच्चों के मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी होता है एवरीवन, सबको मालूम है, देखो मास फ्लो रेट आपका, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो वन ए वन सी वन, किसी पॉइंट पे लिख दो,
अच्छा रो वन मैंने सिखाया है कैसे लिखेंगे, पी वन बाई आर टी वन सिखाया है ना आइडियल गैस से। हो गया खत्म सवाल, सवाल खत्म। मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है देखो, मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है देखो, ये दिया हुआ है तुम्हारा 5 kg/s, 5 kg/s दिया हुआ है मास फ्लो रेट, राइट। उसके बाद आपका ये वेलोसिटी दिया हुआ है एंट्री पे 50 m/s, तो चलो 5 kg/s। पी वन कितना दिया हुआ है, पी वन, पी वन दिया हुआ है 100 kPa, पी वन दिया हुआ है 100 kPa, 100 kPa। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.287, तो 0.287 डाल दीजिए, 0.287। जीरो पॉइंट टू एट सेवन या कुछ और है, 0.285 है, सॉरी 0.285 है। कोई देखता नहीं है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार, पता नहीं मेरा लेक्चर क्यों नहीं देखते हैं बच्चे, बड़ा मुझे अफसोस आता है कभी कभी। बच्चों मेहनत तो मैं करता हूँ लेकिन कोई देखता नहीं है। लड़के कहेंगे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कैसा अच्छा पढ़ाते हैं, जब अच्छा पढ़ाते हैं तो कम से कम बच्चों 5 लड़का भी तो देखना चाहिए। मैं 50 तो सोचता भी नहीं, मेरे सपने में भी कभी नहीं आता है कि मेरा वीडियो कभी 50 लड़का देखेगा, दैट इज इम्पॉसिबल, आई नो दिस थिंग्स। लेकिन कम से कम 5 भी तो देखे, कम से कम मैं उससे बात कर सकूं, कम से कम 2 भी तो देखे जिससे मैं बात कर सकूं कि भाई आंसर आया, कितना आंसर आया, क्या आया, वो तो मुझसे इंटरेक्ट करे कम से कम। वैसा भी नहीं होता बच्चों, पता नहीं क्यों। आइए तो हमें क्या करना है, ये टेम्परेचर कितना दिया हुआ 300, टेम्परेचर कितना दिया हुआ 300, टेम्परेचर दिया हुआ 300, चलो 300 डाल देते हैं, राइट। और एरिया हमें चाहिए, राइट, एरिया हमें चाहिए ए वन और सी वन। वेलोसिटी कितना दिया हुआ देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ 50 m/s, 50, 50 m/s, 50, चलो डाल दो। चलो यहाँ से एरिया निकालो, यही इनलेट पे चाहिए था एरिया, एरिया कितना आ रहा है देखो, एरिया कितना आ रहा है बच्चों आपका 5 × 0.285 × 300 डिवाइडेड बाई 100 × 50, राइट। तो ये आ रहा है 0.0855, ये आएगा मीटर स्क्वायर में, इसको आप लिखेंगे पाई बाई 4 d² d1² 0.0855, तो आपका d1 आ जाएगा इंटू 4 / π, राइट, स्क्वायर रूट यह आ रहा है बच्चों 0.3299 m, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जो आपका डायमीटर एंट्री पे टर्बाइन का जो डायमीटर आ गया 0.33 लगभग आपका ये आ गया मीटर, राइट, मतलब इसको 33 cm अप्रोक्सीमेटली आपका 33 cm, डेट इज द राइट आंसर, डेट इज द आपका डायमीटर एट द एंट्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा d1, चलो d1 निकाल ली। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि भाई आप मुझे पावर आउटपुट बताइए, डिटरमाइन द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन। तो पावर के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पावर के लिए हमें SFE लगाना पड़ेगा, स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो आइए लगाते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, कम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको मालूम है क्या होता है, एम डॉट H1 प्लस C1² / 2000 प्लस Z1 g/1000, राइट, प्लस क्यू डॉट इज इक्वल्स टू एम डॉट H2 प्लस C2² / 2000। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, ये तो हमारा हो गया बच्चों, प्लस Z2 g/1000 हमें निकालना है वर्क। अब देखो यहाँ पे ये टरबाइन इंसुलेटेड नहीं है, हमें क्या निकालना है W डॉट। अब ये टरबाइन यहाँ पे इंसुलेटेड नहीं है, तो टरबाइन अगर इंसुलेटेड नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज 0 दिया, मतलब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम Z1 और Z2 कैंसिल,
राइट, लेकिन ये अब इसको हम जीरो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हीट इंटरेक्शन हो रहा है। क्या लिखेंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा और ये आ जाएगा एम वन, राइट राइट एम वन। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते अंकुर जी, यहाँ पे आप जो एच वन एच टू वाला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। देखिए इंसुलेटेड नहीं है टर्बाइन, इसलिए नहीं लगा सकते। तो आप ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख देंगे M1 कॉमन ले लीजिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं M1 कॉमन लेके H1 माइनस H2 प्लस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर बाई 2000, ये तो आपका ये हो गया, और प्लस Q डॉट इज इक्वल्स टू W डॉट। तो ये आपका आ गया माय डियर फ्रेंड, ये आपका आ गया ऐसा। ओके अब देखो ये तुम्हारा आ गया, तुम्हें चाहिए W डॉट, तो W डॉट अब निकाल लो, यही तुम्हें पावर आउटपुट चाहिए। मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, मास फ्लो रेट को तुम क्या लिख सकते हो, सीपी के टर्म में लिख सकते हो क्योंकि टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है या इंथैल्पी दिया हुआ है, देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़का बोल रहा है कि सर हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, कौन वाला कौन फॉर्मूला, मैंने उसको पढ़ाया था कि अगर तुम्हें वर्क चाहिए ना एम डॉट, तो डब्ल्यू डॉट तुम्हारा होगा एम डॉट इंटू एच वन माइनस एच टू डायरेक्टली, ये वाला। लेकिन ये वाला मैंने कब पढ़ाया था, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था तब जब आपका टर्बाइन इंसुलेटेड हो। यहाँ पर टर्बाइन आपका इंसुलेटेड नहीं है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट 25 किलो जूल पर केजी, कितना 25 किलो जूल पर केजी हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो चलो यहाँ पे हमें इंथाल्पी दिया हुआ है डायरेक्टली 900 दिया हुआ है ना, 900 किलो जूल पर केजी, और वेलोसिटी कितना है 50, एग्जिट पे भी इंथाल्पी है 400 और सी टू इतना है, और हीट रिजेक्ट हो रहा है 25, तो पर केजी हो रहा है ना, तो 5 केजी पर सेकेंड के लिए कितना वॉट हीट रिजेक्ट होगा, तो 25 इंटू पांच मतलब लगभग 125 किलो वॉट हीट रिजेक्ट होगा, राइट हीट रिजेक्ट। तो चलो अब पुट कर दो, सवाल बना लो। तो ये बच्चों ये आपका आइडियल टर्बाइन नहीं है, ये विदाउट अजम्पशंस टर्बाइन है। यहाँ पे अजम्पशंस में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज को जीरो माना गया है, यहाँ पे हीट इंटरेक्शन भी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये सारी चीजें हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाउ द वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, आ जाइए। तो हम क्या करेंगे देखो, एम इंटू एच वन माइनस एच टू, एच वन कितना था बच्चों मेरा, एक मिनट मैं देख लेता हूं, एक मिनट वेट कीजिएगा। एच वन है हमारा 900, मास फ्लो रेट भी तो हमें मालूम ही है, मास फ्लो रेट है हमारा कितना माय डियर फ्रेंड, मास फ्लो रेट है 5, तो 5 इंटू एच वन है हमारा 900 माइनस 400, राइट माइनस सी वन कितना है 50, 50 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, राइट ये ऐसा आ गया बच्चों, ये प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, ओके दिस विल बी प्लस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो आपका हो गया आउट, अच्छा प्लस क्यू, प्लस क्यू कितना आएगा, क्यू क्यू कितना है बच्चों, क्यू देखिए, क्यू आपको मैंने अभी बताया कि क्यू दिया हुआ है किलो जूल पर केजी में, ध्यान दो Q दिया हुआ है किलो जूल पर केजी में, एवरीवन कम Q है हमारा किलो जूल पर केजी में, कितना है Q देखो, Q हमारा किलो जूल पर केजी में ये है 25 किलो जूल पर केजी, तो हमें तो वहां पे Q डॉट पुट करना है ना, Q डॉट मतलब मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 25 पुट करेंगे, कितना 5 इंटू 25 किलो वॉट में, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 125, तो ये तुम्हारा आ रहा है 125, आ जाओ तो ये आ रहा है प्लस 125, तो 5 इंटू 25, राइट, और यही तुम्हारा सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो ये तुम्हारा वॉट में पावर आ गया। चलो जल्दी से, तो 50 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, राइट डिवाइडेड बाई 2000, ओके, और प्लस 500 प्लस 125 615, राइट 615 इंटू 5, ओके व्हाट वी आर गेटिंग माय डियर फ्रेंड, नो वन मिनट व्हाट वी आर गेटिंग, कैन एनीवन सॉल्व दिस फॉर मी, 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 500 इंटू 5, राइट एंड प्लस 5 इंटू 25, दिस वी आर गेटिंग 25, राइट। तो कैन एनी वन टेल मी, कैन एनी वन टेल मी
वन मिनट आई हैव डन सम मिस्टेक हेयर दैट हेयर हीट इज रिजेक्टेड. देखो हीट रिजेक्ट हो रहा है ना बच्चों, सुनो एवरीवन, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव यूज करेंगे ना, हीट रिजेक्ट हो रहा है ना तो माइनस क्यू यूज करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे प्लस यूज किया इसीलिए ये गलत हो रहा था. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हीट है आपका, लिसन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये हीट है ना प्लस क्यू, तो आपको ये अगर हीट ऐड होता तो पॉजिटिव यूज करते, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस क्यू, दिस विल बी योर माइनस क्यू. तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट द आंसर बिकॉज हीट इज गेटिंग रिजेक्टेड. तो ये हमारा आ रहा है, दिस वी आर गेटिंग एज अ पांच कॉमन ले सकते हैं, तो 50 का स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, ओके, एंड प्लस 500, राइट, प्लस 500 माइनस 25, 465, तो 5 × 465, दिस वी आर गेटिंग एवरी वन इंटू 5, तो दिस वी आर गेटिंग 23 25 किलो वॉट. दैट इज द वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, दैट इज द वर्क आउटपुट ऑफ द टर्बाइन वी आर गेटिंग, राइट. तो अगर हीट रिजेक्ट होगा टर्बाइन में से, हीट रिजेक्ट होगा तो माइनस, अगर हीट ऐड होगा तो प्लस, राइट. तो दैट इज द फाइनल आंसर. तो आई होप एवरी वन, सबको समझ में आ गया होगा, दैट वॉज द वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रॉब्लम. चलो तो टर्बाइन का चैप्टर हमारा क्लोज हो गया. टर्बाइन में बच्चों आप कर लेंगे, तो मैंने विदाउट अजम्पशंस न्यूमेरिकल बताया, मैंने वैसा टर्बाइन कंसीडर किया जिसमें हीट भी रिजेक्ट हो रहा है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंजेस को भी हमें कंसीडर करना है, राइट. और जो हमारा स्टैंडर्ड टर्बाइन होता है उसमें हीट रिजेक्शन जीरो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो वहां पे सिर्फ इंथैल्पी के टर्म में हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो बहुत ही आसान होता है, राइट. तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसमें हमें दो चीज निकालना था, इस क्वेश्चन में इसमें हमें दो चीज क्या क्या निकालना था बच्चों, इस सवाल में हमें पहला चीज निकालना था कि टर्बाइन के एंट्री पे हमारे वेलोसिटी, ये डायमीटर निकालना था कि एंट्री पे डायमीटर कितना होगा इनलेट वाल्व का, और दूसरा हमें निकालना था वर्क आउटपुट ऑफ द टर्बाइन. तो दोनों निकाल लिया, ये आया हमारा 23 2325 किलोवाट, राइट, 2325 किलोवाट आया, और ये वाला हमारा आ गया मास फ्लो, ये डायमीटर हमारा आ गया बच्चों क्या 0.33 मीटर एंट्री पे हमारा डायमीटर आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर लर्नर्स, नेक्स्ट हमारा आता है कंप्रेसर और पंप. चलिए नेक्स्ट आ जाइए कंप्रेसर और पंप. कम एवरीवन, देखो कंप्रेसर और पंप आ जाओ. अब कोई तुमसे पूछे कि पंप और कंप्रेसर क्या है, चौथा है बच्चों हमारा पंप और कंप्रेसर. तुम बोलोगे कि सर पंप और कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स शाफ्ट वर्क इनटू फ्लूड एनर्जी. अगर एक फ्लूड आपका कंप्रेसर से पास करेगा तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाएगी, याद रखिएगा, राइट. जैसे पंप है, जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर से हम पानी निकालते हैं ना बच्चों, पानी को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं. कैसे दे देते हैं, उसको पास करा देते हैं. पंप या कंप्रेसर से वो पास करेगा तो एक रोटर के थ्रू, एक शाफ्ट के थ्रू उसको कुछ ना कुछ सर्टेन एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देते हैं, राइट. तो यहां पे हमारा क्या होगा, देखो तो टर्बाइन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स फ्लूड एनर्जी इनटू शाफ्ट वर्क. लेकिन यहां पे हो जाएगा पंप और कंप्रेसर इज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स शाफ्ट वर्क इनटू फ्लूड एनर्जी, राइट. जैसे एयर है, एयर पास करेगा तो कंप्रेसर से तो एयर को एनर्जी कुछ ना कुछ मिल जाएगी. तो आप लिखेंगे यहां पे कि पंप और कंप्रेसर के बारे में, देखो दीज आर द डिवाइस, दीज आर द वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, these are the work consuming device which converts shaft work into
फ्लूड एनर्जी विच कन्वर्ट्स शाफ्ट वर्क इनटू फ्लूड एनर्जी। पिक्चर क्लियर? शाफ्ट वर्क को फ्लूड एनर्जी में कन्वर्ट कर, कैसे देखो, अगर तुम इसको दिखाओगे तो इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे, एवरीवन देखो इसको अपन बनाते हैं ऐसा कन्वर्जिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है, कंप्रेशन हो रहा है, इट विल बी लाइक दिस। अब नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो ये तुम्हारा इनलेट है एवरीवन, दिस इज योर इनलेट माय डियर फ्रेंड, ओके, एंड दिस विल बी योर आउटलेट, दिस विल बी योर आउटलेट, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वर्क देते हैं, याद रखना हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क देते हैं, तो इसको अपन कुछ ना कुछ वर्क देते हैं, राइट, इसको हम लोग कुछ ना कुछ वर्क देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा ऐसा आ जाएगा, राइट, इसको हम लोग कुछ ना कुछ वर्क देंगे। तो नाउ कम माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारा यहाँ पे राइट, इट विल बी लाइक दिस। कुछ स्मूथनेस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों हो रहा है क्या, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये स्मूथ मेरा लेक्चर सही से आपको, ये बफरिंग मतलब वीडियो सही से नहीं आ रहा है क्या, स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्या, कोर्स बंद हो जाएगा बच्चों, आप लोग समझ नहीं रहे, कोर्स बंद हो जाएगा ये बीच में ही, ये पंप हो सकता है, यही कंप्रेसर हो सकता है, अगर आप नहीं आएंगे तो कोर्स बंद हो जाएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट, यही पंप है यही कंप्रेसर है। अब यहाँ पे एंट्री पे बच्चों आपका, एंट्री पे आपका मान लीजिए इंथैल्पी H1 है, यहाँ पे ये H2 है, अब इंथैल्पी पे बच्चों C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, राइट, Z1 भी हो सकता है, Z2 भी हो सकता है, ओके, और वर्क हम देंगे इसको W, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, दैट इज योर W, ओके, कुछ ना कुछ वर्क हम इसको देंगे ना, वर्क इनपुट एवरीवन, क्लियर है। तो आप यहाँ पे अगर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप SFE लगाएंगे बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो तो आपका वैलिड है यहाँ भी, अगर आप मास कंजर्वेशन लगाएंगे तो जितना मास आपका इन करेगा उतना ही मास यहाँ भी एग्जिट करेगा, M.1, जितना मास इन करेगा उतना ही मास आपका एग्जिट करेगा, जितना मास इन करेगा उतना ही मास आपका एग्जिट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो पहला फॉर्मूला तो तुमको मालूम है, M.1 इज इक्वल्स टू M.2, तो डायरेक्टली ρ1A1C1 इज इक्वल्स टू ρ2A2C2, करेक्ट है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा P1 by RT1 A1C1 इज इक्वल्स टू P2 by RT2 A2C। अरे बहुत कम व्यू आने वाला है यार, आज तो एक भी लड़का समझता ही नहीं है, सब बंद हो जाएगा बीच में क्लास बस। चलो नाउ एवरीवन, तो ये हमारा ऐसा आ रहा है, ये हमारा ऐसा आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमारा वैलिड है पंप और कंप्रेसर में, पंप और कंप्रेसर में हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास तो वैलिड है बच्चों, P1 by RT1 A1C1 = P2 by RT2 A2C2, पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो ये हमारा यहाँ तक हम लोग इसको लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, तो एक तो हमारा बेसिक जो स्टैंडर्ड SFE है वो विदाउट अजम्पशंस बच्चों लगेगा, राइट, विदाउट अजम्पशंस वाला हमारा लगेगा, क्या है विदाउट अजम्पशन, तो बाकी अजम्पशन सेम है, टर्बाइन के ही तरह है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ बच्चों, टाइम बिना वेस्ट किए हुए मैं उसको कॉपी कर ले रहा हूँ, आ जाइए देखिए, ये जो है आपका माई डियर फ्रेंड, बच्चे नहीं देख रहे हैं, बहुत दुख की बात है, अफसोस है कि मुझे बंद कोर्स बंद करना पड़ेगा बच्चों, कोर्स बंद करना पड़ेगा, बाद में आप खोजते रह जाइएगा, मैं नहीं मिल पाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं बच्चों, शायद आपको इस कंटेंट का अहमियत नहीं मालूम है कि कितना कंटेंट आपको मिल रहा है। नाउ कम, अब देखो बच्चों, ये आपको ऐसा आ गया, अब देखो माय डियर फ्रेंड, यहां पे एवरीवन सी दिस, एवरीवन
अब यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, ये मैंने आपको यहां तक तो लिखाया हुआ है, यहां तक तो आपको बता दिया। अब आप देखो, ये आपका SFE आपको लगाना है, चाहे कंप्रेसर हो या टरबाइन हो या पंप हो, आपको यहाँ पे दोनों, तो कंप्रेसर या पंप दोनों आपका वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। कंप्रेसर या पंप दोनों आपका क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, राइट। तो आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर माय डियर फ्रेंड ये स्टैंडर्ड अजम्पशन अगर आप लेंगे, तो विदाउट अजम्पशन अगर आप सवाल बनाएंगे तो आपको ये वाला यूज करना है, विदाउट अजम्पशन में। विदाउट अजम्पशन में मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसको आपको नॉलेज में रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका विदाउट अजम्पशन के बाद, ये नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, अगर आप अजम्पशन ले लें, इफ यू आर गोइंग टू टेक अजम्पशन, तो आपका कम पंप या कंप्रेसर में, पंप या कंप्रेसर में अगर आप बात करें कि जो वॉल होगा, वॉल इज इंसुलेटेड, पंप या कंप्रेसर का जो वॉल होगा वो इंसुलेटेड होगा, तो हीट इंटरेक्शन आपका जीरो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे वर्क जो है, ये आपका वर्क इनपुट है ना बच्चों, तो ये नेगेटिव आएगा वर्क, क्योंकि वर्क कंज्यूम कर रहा है, वर्क क्या कर रहा है, कंज्यूम, वर्क आपका कंज्यूम कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, पहले क्या था तुम्हारा, वर्क आउटपुट मिल रहा था, लेकिन अभी तुम्हारा वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है, ध्यान देना, अभी तुम्हारा वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा वर्क कंज्यूम कर रहा है, कर रहा है ना, वर्क कंज्यूम कर रहा है, मतलब नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू हम यूज करेंगे कैलकुलेशन, तो कंप्रेसर वर्क के साथ माइनस डब्ल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव है। आ जाओ, दिस विल बी योर माइनस डब्ल्यू एवरीवन, दिस विल बी योर माइनस डब्ल्यू, तो ये तुम्हारा अब आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, तो ये तुम्हारा आ जाएगा एम डॉट एच वन इज इक्वल्स टू एम डॉट एच टू। मेरा वीडियो अटक रहा है क्या बच्चों, प्लीज मुझे बताइएगा, शायद ये आज लास्ट कोर्स है बच्चों, कल से कोर्स नहीं आ पाएगा, ये एंड हो जाएगा यहीं पे आके, अब फाइनली बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फीडबैक भी उतना बढ़िया नहीं आया, बच्चे भी वीडियो नहीं देखे, और वीडियो भी बहुत बफरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो शायद ये कोर्स कल से बच्चों शायद नहीं आए, मे बी राइट, क्योंकि लर्नर्स भी बहुत कम आ रहे हैं, एक लड़का दो लड़का देखता है, उससे ज्यादा लर्नर्स भी नहीं आते हैं, तो ये कोर्स शायद बंद हो जाए। ओके चलिए, तो आज भर है तो अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये हमारा डब्ल्यू डॉट, ये हमें चाहिए, डैट इज योर कंप्रेसर वर्क, ये नेगेटिव था माइनस डब्ल्यू, तो आपका यहाँ पे देखो माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा एम डॉट एच वन माइनस एम डॉट एच टू, राइट, सॉरी ये हो जाएगा एच टू माइनस एच टू, ये हो जाएगा एम डॉट एच टू माइनस एम डॉट एच वन, तो आपका डब्ल्यू डॉट आ जाएगा माय डियर फ्रेंड एम डॉट एच टू माइनस एच वन, तो यही है आपका, यही जो डब्ल्यू डॉट है, दैट इज योर वर्क इनपुट, दैट इज योर वर्क इनपुट, इसी को आप डब्ल्यू कंप्रेसर, पावर ऑफ द कंप्रेसर बोल सकते हैं, राइट, इसी को आप, संतोष पाल जी सर ऐसा मत करिए, नहीं संतोष जी आप लोग आते थोड़ी हैं, आप अभी आए 5 मिनट के लिए, आए मुंह दिखाइए फिर चले जाइएगा, वैसा आप लोग समझते नहीं है ना, आप कितना लेट से आए, आप आए सुबह 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया, अब आप आ रहे हैं, सीरियस तो आप लाइफ में है ही नहीं, सीरियस तो आप है ही नहीं कि करना है सर, तो उससे कोई फायदा नहीं, जब बच्चों जब मेरा कोई देखता ही नहीं है तो मुझे बंद कर देना चाहिए ना कोर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे खुद बिलीव हो गया कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस थिंग्स, राइट, कि मैंने उतना बढ़िया डिलीवर नहीं कर पाया लेक्चर्स, क्योंकि अगर मैं अच्छा डिलीवर करता तो लर्नर्स बच्चों कम से कम 5 लड़का तो देखता, एटलीस्ट एटलीस्ट 5 लड़का तो देखता, कोई नहीं देख रहा यहाँ पे, तो नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ पता भी नहीं चल रहा है, तो ये अब शायद ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है बच्चों, शायद ये नहीं चल पाएगा मेरी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया डब्ल्यू डॉट ये आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसर या कंप्रेसर वर्क या पंप वर्क, पंप पावर, ओके राइट, ये हमारा आ गया कंप्रेसर, कंप्रेसर पावर और पंप पावर, पावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डब्ल्यू डॉट है, पावर इसलिए बोल रहे हैं कि डब्ल्यू डॉट है, राइट, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर पीसी और पीपी, ये आपका आ जाएगा एम डॉट इंटू एच टू माइनस एच वन, एम डॉट इंटू एच टू माइनस एच वन, करेक्ट है। देखो यूनिट की बात करोगे, यूनिट की बात, तो देखो यहां पे
अगर तुम यूनिट की बात करोगे तो ये तुम्हारा आएगा किलो जूल पर केजी में, और ये तुम्हारा आएगा केजी पर सेकेंड में, राइट। तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा केजी केजी कैंसिल, तो ये तुम्हारा पावर किस में आएगा, किलो जूल पर सेकेंड, मतलब दिस विल बी इन किलो वॉट, दिस विल बी इन किलो वॉट, राइट। तो ये तुम्हारा पावर आ गया। अगर तुमसे मान लो वर्क पूछेगा कि वर्क कंप्रेसर, या तुमसे बोलेगा पावर कम, ये वर्क पंप, तो वर्क निकालने के लिए तुम मास से मल्टीप्लाई करोगे, एम एच टू माइनस एच वन। टर्बाइन में क्या था, एच वन माइनस एच टू, टर्बाइन में एच वन माइनस एच टू था। अब यहां पे तुम देखोगे जैसे ही, तो ये तुम्हारा है किलो जूल पर केजी, और ये तुम्हारा है केजी में। तो दीज टू आर गोइंग टू बी कैंसिल, दीज टू आर गोइंग टू बी कैंसिल, राइट। तो ये तुम्हारा अब आंसर किसमें आ जाएगा, ये दोनों ये आएगा किलो जूल में। तो ध्यान देना कि एग्जाम में किसमें पूछ रहा है, किलो जूल में पूछ रहा है, किलो वॉट में पूछ रहा है, राइट। ध्यान देना इसको, इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं माय डियर फ्रेंड, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कंप्रेसर पंप पावर में ही आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। कि अगर हमसे मान लो पूछे स्पेसिफिक ओमेगा सी और ओमेगा पी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा एच टू माइनस एच वन। एच टू माइनस एच वन का मतलब हो गया, सिर्फ तुम इंथाल्पी के टर्म में अगर लिखोगे, तो सिर्फ इंथाल्पी के टर्म में अगर तुम लिखोगे तो, ठीक है, देखो सिर्फ इंथाल्पी के टर्म में। नाउ ये तुम्हारा आएगा किलो जूल पर के, तो अगर तुमसे स्पेसिफिक पूछेगा किलो जूल पर केजी, ओके, किलो जूल पर केजी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ये आ जाएगा किलो जूल पर केजी में। तो अगर कभी तुमसे स्पेसिफिक स्पेसिफिक टर्बाइन वर्क या स्पेसिफिक कंप्रेसर वर्क पूछेगा, याद रख स्पेसिफिक टर्बाइन वर्क, सॉरी स्पेसिफिक टर्बाइन तो हो गया ना, स्पेसिफिक कंप्रेसर वर्क, स्पेसिफिक या स्पेसिफिक पंप वर्क, तो ऐसे निकालेंगे, राइट। अच्छा एक और तरीका है इसको निकालने का, ये तो हमने एसएफई लगा के निकाला, एम डॉट विद स्टैंडर्ड अजम्पशंस, एच टू माइनस एच वन, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना है, और टर्बाइन में क्या करना था, इनिशियल माइनस फाइनल, एच वन माइनस एच टू, यही था ना। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और दिखा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मान लो ये तुम्हारा टर्बाइन है, ठीक है, ये तुम्हारा टर्बाइन है, ठीक है, आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे कम, अगर मान लो ये सॉरी तुम्हारा पंप या कंप्रेसर है, सुनो, अगर ये तुम्हारा पंप या कंप्रेसर है, नाउ एवरीवन सी, अगर मान लो ये तुम्हारा ऐसा है, इसमें मैं तुम्हें बोल रहा हूं, देखो सारे लड़के ये वीडियो मेरा बहुत, इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से देखते हैं, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग, सुनो गौर से क्या करते हैं, कि अगर मान लो तुमको इन पंप या कंप्रेसर में एंट्री पे तुमको सिर्फ एक ही चीज दिया, क्या, एच वन, और एग्जिट पे तुमको एक ही चीज दिया, एच टू, राइट। यही दोनों चीज तुमको दिया हुआ है। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताइए कि का आपका ये क्या होगा, कंप्रेसर वर्क क्या होगा या पंप वर्क क्या होगा। ये डब्ल्यू इनपुट जो है इसी को बोलते हैं कंप्रेसर वर्क या पंप वर्क। अब सुनो गौर से, राइट। तो इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एसएफई का मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी तुम्हारी इन हो रही है, कौन, एच वन, और एक और एनर्जी कौन इन हो रही है, वर्क। ये दोनों वर्क और एच वन इन हो रही है, तो डाल दो एच वन
प्लस वर्ब। तो देखो याद रखना, जब भी तुम एच लिखोगे ना, एच जब भी तुम एच लिखो स्मॉल एच, जब भी तुम यहां पे स्मॉल एच लिखोगे एवरीवन, जब भी तुम यहां पे स्मॉल एच लिखोगे तो ये तुम्हारा आएगा स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक। तो ये दोनों तुम्हारा इन हो रहा है। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है कि इंथैल्पी इन किलो जूल पर केजी, राइट? ये मतलब वर्क इन किलो जूल पर केजी, इसका मतलब यही होता है स्पेसिफिक वर्क। और एग्जिट तुम्हारा क्या हो रहा है, H2। तो तुम्हारा ये आ गया स्पेसिफिक वर्क, ये आ गया तुम्हारा H2 माइनस H1, राइट? तो ये डायरेक्टली सिंपल है, ये वाला तुम्हारा ज्यादा आसान। दिस विल बी योर ओके। उसके बाद तुम्हारा मान लो तुम W निकालोगे, तो W अगर तुमको निकालना है मतलब पंप या कंप्रेसर, इसको तुम बोल सकते हो पंप या कंप्रेसर वर्क। तो ये तुम्हारा M से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी योर H2 माइनस H1। और लास्ट तुमको अगर चाहिए ये, तुम इसको अगर तुम्हें पावर W डॉट चाहिए या तुम्हें पावर चाहिए, तुम इसको बोलोगे M डॉट H2 माइनस H1, राइट? इसको नॉलेज में रखना थोड़ा सा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा बच्चों आपको विदाउट अजम्पशंस वाला। तो यहाँ पे एक चीज आपने सीखा कि H2 माइनस H1, मतलब एक चीज क्या सीखा आपने, अगर टर्बाइन होता तो हम लोग H1 माइनस H2 कर रहे थे ना टर्बाइन में, और पंप में क्या कर रहे हैं, H2 माइनस H1 कर रहे हैं, पंप में H2 माइनस H1 कर रहे हैं, बस यही है, ध्यान देना है फाइनल माइनस। तो ये आपका आ गया। तो इसका यूनिट आएगा क्या, इसका यूनिट आएगा किलो जूल और किलो। पिक्चर क्लियर? अच्छा, अब ये जो है आपका, इसके बारे में देख लीजिए, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, ये वर्क क्या है, ये वर्क आपका कंप्रेसर वर्क भी हो सकता है, पंप वर्क भी हो सकता है, स्पेसिफिक स्मॉल डब्ल्यू इज द स्पेसिफिक। और ये आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है वर्क, मतलब डब्ल्यू कंप्रेसर और डब्ल्यू पंप। और लास्ट में ये आपका क्या हो सकता है, पावर, दिस विल बी योर पावर कंप्रेसर और पावर पंप। दोनों में से कोई भी अगर पंप यूज कर रहे हैं तो पंप, कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो कंप्रेसर, ठीक है? और ये तीन यूनिट है, एक अगर किलो जूल में, एक किलो जूल पर केजी में, एक किलो वॉट में। तो ध्यान दीजिएगा, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है और सवाल हमारा बन जाएगा आराम से, ओके? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहां तक तो हमने देख लिया, दैट्स क्वाइट इजी, यहां तक हमने देख लिया और हम समझ भी गए इन चीजों को। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे वीडियो मेरा बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या, वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या बच्चों? मेरी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? टेल मी, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, तो ये आपने देख लिया कम। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था बच्चों, कोई एक लड़का मुझे बता सकता है क्या कि पंप और कंप्रेसर में डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पंप एंड अ कंप्रेसर? कैन एनीवन टेल मी कि वर्क और पंप, कंप्रेसर और पंप में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा बच्चों के जो पंप होता है और कंप्रेसर, दोनों का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर राइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रेशर राइज करने के लिए। अगर एक वर्किंग फ्लूड का आपको प्रेशर राइज करना है तो आप पंप या कंप्रेसर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक में आपका वर्किंग फ्लूड क्या होता है, एयर, एक में आपका वर्किंग फ्लूड क्या होता है, लिक्विड, मतलब एक में गैस होता है, एक में लिक्विड होता है। कंप्रेसर में वर्किंग फ्लूड होता है गैस, और आपका पंप में आपका वर्किंग फ्लूड होता है, पंप में आपका वर्किंग फ्लूड होता है वाटर या लिक्विड, ठीक है? ये भी आपको मालूम है। अच्छा, और कुछ डिफरेंस बच्चों, कोई एक लड़का बता दीजिए और कुछ डिफरेंस। आइए, तो डिफरेंस थोड़ा सा लिख ले, वर्क के बारे में तो समझ गया, वर्क तो सेम है, वर्क इनपुट, वर्क में कोई लेना देना नहीं है बच्चों,
थोड़ा सा आगे आ जाइए माय डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। चलिए, पंप और कंप्रेसर आप लोग समझ गए अच्छे से, राइट? मुझे नहीं लगता है किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें। चलो आ जाओ, अब देखते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंप्रेसर और पंप में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ए कंप्रेसर इज कैपेबल ऑफ कंप्रेसिंग द गैस टू अ वेरी हाई प्रेशर अलोंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप पंप की बात करेंगे, देखिए सुनिए, मान लीजिए दोनों वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, दोनों क्या है, दोनों बोथ आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस आपका दोनों है, पंप भी है, कम दोनों में एसएफई सेम लगाते हैं, पंप भी है और कंप्रेसर भी है, पंप भी है और कंप्रेसर भी है, दोनों का अगर अजम्पशंस के साथ, अगर आप अजम्पशंस के साथ वर्क की बात करेंगे पावर ऑफ द पंप की, तो ये होगा आपका मास फ्लो रेट इनटू एच टू माइनस एच वन। यहां पर भी होगा आपका मास फ्लो रेट, अगर आप इसकी बात करेंगे पावर ऑफ द कंप्रेसर की, तो मास फ्लो रेट एच टू माइनस एच वन यही होगा दोनों में। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि कोई पूछे कि पंप में आपका वर्किंग फ्लूड क्या होता है, पंप में आपका फॉर्मूला तो यही होगा, वर्किंग फ्लूड आपका क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई पूछे कि पंप में वर्किंग फ्लूड, तो आप बोलेंगे सर पंप में जो वर्किंग फ्लूड होता है बच्चों, इट हैंडल्स लिक्विड, लिक्विड पंप में वर्किंग फ्लूड क्या होता है, लिक्विड। और आपसे पूछे कि कंप्रेसर में आपका लिक्विड वर्किंग फ्लूड क्या होता है, इसमें होता है आपका एयर, गैस, क्या होता है, गैस, राइट, एयर। अच्छा, अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि दोनों करता क्या, तो दोनों प्रेशर राइज करता है, तो पंप में प्रेशर राइज होता है, राइट, इंक्रीज प्रेशर राइज, राइट। और कंप्रेसर में बच्चों याद रखिएगा, दोनों वर्किंग फ्लूड का प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर वो एक वर्किंग फ्लूड पंप से पास करे या कंप्रेसर से, कंप्रेसर प्रेशर के साथ साथ, कंप्रेसर आपका प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी राइज करता है, राइट। तो याद रखिएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज दोनों, राइट, प्रेशर और टेम्परेचर राइज दोनों करता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग फ्लूड आपका गैस है, गैस मतलब एयर, एयर मतलब आइडियल गैस, तो आपको मालूम है टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन टू दी पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर राइज होगा तो टेम्परेचर राइज भी होगा। तो याद रखिएगा कि कंप्रेसर के केस में प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज दोनों होता है, और आपका पंप के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर राइज होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर राइज होता है, राइट, और नॉट अ सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर, बहुत ही स्लाइट, स्लाइटली, राइट, स्लाइट, स्लाइट राइज इन टेम्परेचर, स्लाइट राइज इन टेम्परेचर। इस पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों कि बहुत ही स्लाइटली राइज होता है टेम्परेचर, किसमें, पंप में, प्रेशर राइज तो दोनों में होता है, और इसमें क्या होता है, नहीं, अच्छा खासा टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। और वर्क का फॉर्मूला तो मैंने दोनों का आपको पढ़ा ही दिया, ये आपको मालूम है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है बच्चों, पता नहीं कल मुझे दिखाना पड़ेगा इसको, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, लड़के आते हैं चले जाते हैं, अक्षय जी भी आए चले गए, अंकुर आया चला गया, संतोष पाल जी आए चले गए, राइट, सब लोग आ रहा है जा रहा है, वीडियो मेरा बहुत ज्यादा अटक रहा है, पता नहीं, एक तो ऊपर से लड़के नहीं आते हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए, कोई लड़का नहीं, और जो आता है वो देखता है वीडियो अटक रहा है वो भाग जाता है देख के, राइट, तो बड़ा मैं परेशान हूँ बच्चों, मैं क्या करूँ, कोई चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम, कभी बफरिंग प्रॉब्लम, कभी अटेंडेंस प्रॉब्लम, कोई चीज़ फेवर में नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन,
ये एकाएक सही हो जाता है, एकाएक अटकने लगता है बीच में, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है क्यों। एकाएक सही हो जाता है, एकाएक फिर अटकने लगता है बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यूज में एकाएक सडन ड्रॉप आया है, तो आज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉब्लम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते आ जाइए। अब एक प्रॉब्लम आते बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है हमारे पास कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों की विद अजम्पशन और विदाउट अजम्पशन। अब देखो ये क्वेश्चन है, हमें करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे मालूम है, बहुत सारे लड़के नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी जो लड़का सीरियस है जीवन में वो करे प्लीज। जो लड़का को गेट में रैंक लाना है वो न्यूमेरिकल जरूर बनाए, वो न्यूमेरिकल जरूर बनाए माय डियर स्टूडेंट। चलो आ जाओ देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन एन एयर कंप्रेसर, तो सबसे पहले एयर कंप्रेसर बना लेते हैं। राइट सर, मॉर्निंग में अगर पॉसिबल हो तो कर दीजिए, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। संतोष जी अगर लड़कों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता तो लड़के किसी टाइम भी आ जाते, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुबह कीजिए शाम कीजिए वो सब कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, बहुत दिन हो गया, मैं आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया ना। आइए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन एन एयर कंप्रेसर एयर फ्लो स्टीडीली, स्टीडी स्टेट है, स्टीडी स्टेट है बच्चों, स्टीडी स्टेट है एट अ रेट ऑफ 0.5 kg/s। ठीक है, मास फ्लो रेट दिया हुआ है। चलिए तो इसको पहले पहले आप कंप्रेसर बना लीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको मालूम है कंप्रेसर कैसे बनाएंगे, एवरीवन वी नो कंप्रेसर हमारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग। चलो बना लेते हैं, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हेलो माय डियर स्टूडेंट,